टेरर फंडिंग के मामले में यूपी एटीएस ने राजधानी लखनऊ समेत देश के कई शहरों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। गिरफ्त में आए यूपी और एमपी के दो लोग पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संपर्क में लगातार बने हुए थे। ये लोग आतंकियों के कहने पर भारत में फर्जी अकाउंट खोलने और अन्य आतंकियों के खातों में पैसे भेजने के काम में शामिल थे। इसकी सूचना एटीएस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 24 मार्च को एटीएस ने गोरखपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ और रीवा में छापेमारी की। यहां से 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अपराधियों ने आतंकियों के कहने पर पैसे ट्रांसफर करने और अवैध खातों को खोलने की बात भी स्वीकार की है। इन खातों से 10 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है।